गाइस, इट्स जनत, इट्स क्रिथलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स। सो गाइस, आज हमारा जैकपॉट लग गया है क्योंकि आतिफ असलम का जो ड्रामा है संगेमा, उसके बहुत सारे टीजर्स और एक्सटेंडेड प्रोमोज आ गए हैं, तो आज हम उन पे रिएक्ट करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले कि आप ये रिएक्शन देखिए, क्या आपने हमारा इससे पिछला वाला व्लॉग देखा है? हम लोग सोच रहे हैं कि हम इसको एक वीकली थिंग बनाएंगे। वील बी अपलोडिंग आर दिनचर्या वाले व्लॉग्स ऑन अ वीकली बेसिस, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। रिएक्शंस आते रहेंगे, लेकिन हम व्लॉग्स भी डालना चाहते हैं, बिकॉज इनिशियली जब हमने शुरू किया था, दैट इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू डू। तो इसलिए हम इस साल से हमारा वो रेजोल्यूशन, मैं नहीं बोलूंगी वो टूट जाते हैं, सो वील ट्राई कि हम वीकली व्लॉग्स डालें। सो गाइज, जाना जी, तो गाइज आप प्लीज व्लॉग्स पे भी व्यूज दिया करो, जिस तरह की आप रिएक्शन वीडियोस पे प्यार देते हो उसको भी देख लिया करो। आपकी जन्नत देखा, सियानी बात कर जाती है। आपकी चलें, चलो चले चले, आप ही आपकी जन्नत चले, चलना पड़ेगा, चले। एक दफा का जिक्र है कि सबकुत अल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठे और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा, दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने गक किया और जिरगा उसके कदमों में आके बैठ गया। ड्रामा सीरियल संगे माँ डाक बातें कर रही है, इतना सीरियस मुंह बना के। अच्छा, हानिया आमिर डॉटर है नौमिन एजाज की, जो हमने पिछले टीजर्स में देखा था कि वो आई थिंक ये जानी दुश्मन होता है, जो मुझे लगता है कि नौमिन एजाज और आतिफ असलम आर जानी दुश्मन, एंड हानिया विल बी द डॉटर ऑफ नौमिन एजाज, मुझे उसकी डायलॉग से लगा। और सबसे पहला जो डायलॉग बोला वो तो फनी था, कुत्ते के साथ कुत्ते वाली, उसके वो सीरियस और लॉस्ट वाला एक्सट्रीम डार्क, एक्सट्रीम काफी कंफ्यूजिंग है, ये पता नहीं सर के ऊपर से निकल रहा है मेरे। क्या गजब लग रहा है आतिफ, और क्या गजब लग रही है हानिया, यार इनका पैर में चल रहा है मुझे ना, मुझे हानिया बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी, मुझे आतिफ। अगला टीजर देख, हाँ सॉरी बह गई थी अपी, आई एम रेडी, चलें फिर। ये हक क्या बुलाए नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक करने। ऐ बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। दो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है कि धड़कने इधर की उधर हो गई। किसी पठान को दिल तो नहीं दे आई? ड्रामा सीरियल संगे माँ। क्या होता है ऐदे वफा का नाम होता है, थोड़ा कॉमेडी सा कैरेक्टर होता है, फसाता रहता है वो सबको ऐदे वफा में ना। मैं तो गैस ही नहीं कर सकती ना, टीचर का बेटा होता है वो, नाम नहीं आ रहा, बड़ा पिक्यूलियर सा नाम था, बताना जगह है जरा कमेंट सेक्शन में, सही लग रहा है ये। आई थिंक यार ट्रायंगल होगा, ये ऐसे रोमांटिक। अच्छा, इन दोनों और हानिया का, ये हानिया को शायद उस फसाने, हाँ, बदला लेने के लिए पता नहीं, इतना कॉमन करते नहीं है वैसे, इतना कॉमन नहीं, ये हमारे दिमाग की जुगत है, पर इसको तो इससे प्यार है, दोनों को है स्टोरी बनानी, पर ये शहर वाली है वो गांव वाली होगी, ये उसको एक्टिंग के लिए नहीं छोड़ो, रहने दो ना, हमारा अंदाजा कर लो, मेरा गलत ही होता है, बाकी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये एक्सटेंडेड, यहाँ से कुछ पता चल सकता है, ये लंबा है थोड़ा ना, दो मिनट तीन का, चलें फिर सिनेमा प्रीमियर ना, वाह वाह वाह, जगह जी सेवंथ से आप भी रेडी हैं, छोटी आप भी रेडी हैं, चलो प्लीज दोनों लेट्स गो गाइस। महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है, दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने, किधर का बच्चा है, बीच में खड़ा हूँ, ये नॉर्मल इजाज़ का पेन है, बड़ा हूँ मैं दोनों से, लड़ा हूँ मैं दोनों से, बड़ा हूँ मैं, एक तरफ नाग है और एक तरफ बीन है। There's a method in his madness. जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे।
खुदा ने कयामत के लिए भी जुम्मे को जो नहीं कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए इब्लीस का बाप बनकर सामने ना आया तो आकर मेरे मुंह पे थूक देना। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो, तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल ना अकल कोई कीड़ा है तेरे कोपड़ी में। वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया, गोली मारो। सिटी हॉस्पिटल कमरा नंबर 714। खान क्या अभी जख्म कच्चे हैं? बंग के पत्ते जख्मों पे बांधेंगे, एक हफ्ते में पक्के हो जाएंगे। एक दफा का जिक्र है कि सबकुत अल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा, दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने गक किया और जिरगा उसके कदमों में आके बैठ गया। ये गक क्या बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। दो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है कि धड़कने इधर की उधर हो गई। तो पठान को दिल तो नहीं दे आई? ये भी मुझे बहुत सही लगती है, सुनो चंदा वाली। हाँ, ये सुनो चंदा वाली देखिए। यार ये सिनेमाज में आ रहा है, I'm so amazed. Watch the first episode सिनेमा में। हाँ, सिनेमाज में आ रहा है, मजेदार हो जाएगा ये तो। मतलब एक्सपीरियंस है, आतिफ वाला तो सिनेमा में ही बनता था वैसे भी। नहीं, वो मेरे पास तुम हो था ना। हाँ, वो भी सीरियल में आया था, वो भी थिएटर में आया था। सारे एपिसोड? सारे नहीं, आई थिंक मैंने ये पता है कि उसका जो क्लाइमैक्स था वो आया था, वो इतना हिट हो गया था, बिल्कुल पीपल वांटेड टू सी कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। पर ये आतिफ और हानिया का क्या होगा, मुझे ये भी देख रही है, तो अच्छे लग ही रहे कुबरा और आतिफ। यार वो दूसरा बंदे का साथ भी तो किसी का टांका फिट होना है ना। उसका और हानिया का होगा यार, ये दो भी करा सकते हैं, इनको अलाउड होता है। आतिफ देखो क्या होता है आने वाले, अब मैं ज्यादा गेस नहीं मारूंगी, गेस तो हमारे गलत होते हैं, सबके साथ हो जाए। मुझे लगता है कि यार पर सही वाली आशिकी तो इसकी हानिया के साथ ही बनती है। हाँ। वो दुश्मन की बेटी है ना। हाँ। उसको मतलब लेते लेते प्यार हो जाएगा, जैसे उसमें उसको हो गया था। तभी मैं कह रही थी मुझे गैस नहीं मारने मत दो, मुझे रोक लो। रोक नहीं पाऊंगी मैं तुझे, मैं खुद मारना चाहती हूँ गैस। पता नहीं लग जाएगा, पता ना, देखेंगे साथ को, थोड़ा रहेगा टाइम। So guys, this was our reaction. We really hope that you liked it. And if you did, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस पर बहुत सारे कमेंट्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इससे पिछला वाला ब्लॉग देख लेना, आगे भी जितने ब्लॉग आएंगे वो भी देख लेना। So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.